फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे टाइटल बार में टाइटल डिस्प्ले कर दिया था। हमने इंडेक्स पेज बना लिया है एंड नेविगेशन डॉट एच टी एम एल बना के उसको इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया है। नेविगेशन में अभी हमने केवल टाइटल दिया था। अब टाइटल के बाद हम यहाँ पे हेड के बाद बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। बॉडी ओपन किया, बॉडी क्लोज किया एंड अब हमें ऊपर एक नेविगेशन बार बनाना है। बट नेविगेशन बार बनाने से पहले हम एक इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसके साइड में हम जॉब पोर्टल, जो हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है, वो दिखाना चाहते हैं। ओके, तो मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ। डिवीज़न ओपन किया, क्लोज किया, क्लास कंटेनर। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, डिज़ाइन मेरा इतना अच्छा नहीं है। बट बैकएंड का जो कोड है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सो डिज़ाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके, डेव क्लास इक्वल टू कंटेनर एंड इसके अंदर मैंने एक रो क्रिएट कर ली। तो डिवीज़न के अंदर मैंने क्लास यूज़ कर ली रो एंड रो के अंदर हम कॉलम्स क्रिएट कर देते हैं। तो तीन कॉलम्स मुझे क्रिएट करने हैं, तो तीनों का साइज मैं 4 रख देता हूँ। डिव क्लास इक्वल टू कॉलम SM4 एंड पहला जो डिवीज़न है उसमें मुझे इमेज को डिस्प्ले करना है। तो मैंने IMG टैग को यूज़ किया, IMG SRC, और इमेजेस हमारी रखी हुई हैं स्टेटिक फोल्डर के अंदर। तो मुझे ये job1.png नाम की जो इमेज है उसको डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 2 बार मैंने परसेंटेज सिंबल का यूज़ किया एंड उसके बाद मैंने बताया स्टेटिक फोल्डर के अंदर हमारा डेटा है। तो स्टेटिक के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर एंड उसके अंदर इमेज है job1.png नाम की। ओके, एंड अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कुछ इसका मुझे विड्थ हाइट भी देना पड़ेगा। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, तो ये इस तरीके का आ रहा है। तो हम इसका कुछ विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। तो मैंने इसका विड्थ दे दिया 180 पिक्सल एंड मैं इसका हाइट दे देता हूँ। हाइट, सॉरी, ये स्टाइल का यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट भी हम दे सकते हैं HTML के तरीके से। तो मैंने हाइट विड्थ दे दिया 180 पिक्सल एंड हाइट में सेट कर देता हूँ 150 पिक्सल। एंड अब मैं चेक करता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का आपको अब डिस्प्ले हो रहा है। एंड इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मुझे तीन कॉलम्स क्रिएट करने, तो तीनों कॉलम्स मैंने क्रिएट कर लिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे कोई इमेज वगैरह डिस्प्ले नहीं करना है। यहाँ तो मैं अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्पान क्रिएट कर लेता हूँ। स्पान ओपन किया, क्लोज किया एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे एक और स्पान क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने स्टाइल का यूज़ कर लिया, इनलाइन स्टाइल का एंड कलर बता दिया रेड। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ऑनलाइन जॉब। ओके, तो ये रेड कलर में ऑनलाइन जॉब लिखा हुआ आएगा। फिर मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे कलर दे दिया इसका ग्रीन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन जॉब के बाद पोर्टल सिस्टम।
ऑनलाइन जॉब पोर्टल सिस्टम। ओके, अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको अब कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हो रहा है। अभी लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें से मैं इस इमेज को हटा देता हूँ। ओके, अब फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये अभी एक के नीचे एक आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। रो रो के अंदर हमने डिवीज़न बनाया फोर साइज का, एंड अगेन फोर साइज का, बट ये अलग अलग लाइन में क्यों आ रहा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसका हम कुछ साइज वगैरह इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमने स्पान यूज किया था इसमें हम कुछ स्टाइल्स दे देते हैं, एंड यहाँ पे मैंने स्टाइल यूज कर लिया। मुझे फॉन्ट का वेट इंक्रीज करना है, तो चाहूँ तो मैं CSS स्टाइल यूज कर सकता हूँ या तो फिर मैं क्लास भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने फॉन्ट वेट का यूज कर लिया, एंड फॉन्ट वेट मैंने कर दिया बोल्ड, और मैं ऊपर से कुछ यहाँ पे मार्जिन भी सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने मार्जिन दे दिया टॉप से 5, एंड फॉन्ट वेट बोल्ड के बाद फॉन्ट का साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ओके, एंड लास्ट वाला जो डिवीज़न आप देख रहे हैं उसमें मुझे कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आइकॉन्स देने हैं, तो यहां पे भी मैं स्पान का यूज कर लेता हूं। ओके, तो यहां पे मैंने स्पान टेक का यूज किया, ओपन किया, क्लोज किया, एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं स्टाइल का यूज कर लेता हूँ, एंड फॉन्ट का जो वेट है उसको बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड। एंड अब हम यहाँ पे कुछ सोशल नेटवर्किंग आइकॉन्स का यूज करना चाहते हैं, तो मैंने स्पान को ओपन किया, क्लोज किया, एंड यहाँ पे मैंने आई टेक का यूज कर लिया। सो मुझे अच्छा प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने क्लासेस तो यहाँ पे अप्लाई की हैं, बट हमने अभी तक बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को तो इंक्लूड किया नहीं है, इसीलिए ये क्लासेस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रही हैं। ओके, तो ये रीज़न है कि हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस तो हम यूज़ करते जा रहे हैं बट हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड नहीं किया था। ओके, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बूटस्ट्रैप 4 बूटस्ट्रैप 4 CDN। तो ये मैंने लिखा, और मैं w3schools.com वेबसाइट पे जाता हूं। और कोई भी एग्जांपल के अंदर जाके मैं यहां पे ये जो मेटा टेक्स दिए हुए हैं और लिंक टेक दिया हुआ है और स्क्रिप्ट टेक, मतलब हेड के अंदर टाइटल को छोड़ के बाकी जो भी दिया है ना, बूटस्ट्रैप के जो भी CDNs दिए हुए हैं, जावास्क्रिप्ट के CDNs दिए हुए हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया, एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नेविगेशन के अंदर, navigation.html के अंदर टाइटल के बाद। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम क्लासेस तो यूज़ कर रहे थे कंटेनर रो कॉलम SM, बट मैंने लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया था। ओके, तो अब ये परफेक्ट आ रहा है।
बट यहाँ पे ये अलग अलग लाइन में आ रहा है, तो मैं इसको या तो एक लाइन में कर देता हूँ। ओके, तो इसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसको। एंड यहाँ पे या तो मैं स्टाइल का यूज़ कर लेता हूँ, हो सकता है HTML वाले तरीके से विड्थ हाइट प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, तो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम यहां पे बताएंगे विड्थ कॉलन। अगर मैं CSS का यूज करूंगा तो यहां पे मैं कॉलन सिंबल का यूज करूंगा, और विड्थ मैंने बता दिया 80 पिक्सल, सेमी कॉलन, हाइट कॉलन 150 पिक्सल। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे ये रेड लाइन क्यों आ रही है वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल कोट्स मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का साइज इसका आ गया। तो इमेज को पहले मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, तो हम देखते हैं हमारा इमेज कहाँ पे है। तो माय ड्राइव के अंदर जाके हमारा ये ऑनलाइन जॉब पोर्टल जेंगो नाम का हमने प्रोजेक्ट बनाया है। तो स्टैटिक के अंदर जाके, इमेजेस के अंदर जाके मैं इमेज फाइल को ओपन कर लेता हूँ किसी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब पेंट वगैरह फोटोशॉप के साथ आप ओपन कर सकते हैं। तो मुझे चेंज करना था किस इमेज को, Job1 नाम की इमेज थी। ओके, दिस वॉज द इमेज। तो इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। इमेज का साइज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उसमें वाइट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो वाइट एरिया मैं हटा देता हूँ। तो मैं सिंपली इसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट के साथ ओपन कर दिया मैंने, एंड इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको क्रॉप किया, सेव किया, एंड अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा सेव करके। अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं एक बार सेटिंग में चले जाता हूँ और केशे को रिमूव कर देता हूँ। तो सेटिंग में आप कैसे जाओगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड सेटिंग में जाओगे, एंड उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाके आप केशे इमेजेस को क्लियर करोगे। ओके, तो अब इसमें कुछ चेंज आया, बट अभी भी साइज प्रॉपर नहीं आ रहा, पहले साइज प्रॉपर था। ओके, तो यहाँ पे 80 दे दिया है गलती से, तो इसको मैं 180 कर देता हूँ। एंड क्रॉप करने से भी हमारा इमेज में चेंजेस आएंगे, जो वाइट पोर्शन था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एरिया कंज्यूम हो रहा था। ओके, नाउ ऑनलाइन जॉब पोर्टल हमने यहाँ पे लिखा है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल सिस्टम। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ पे नीचे कुछ सोशल नेटवर्किंग के आइकॉन्स देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे फॉन्ट ओसम की लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं अगेन गूगल पे सर्च करता हूँ, लेकिन फॉन्ट ओसम की जो लाइब्रेरी मैं यूज़ करूँगा वो मैं 4.7 को यूज़ करूँगा। ओके, तो गूगल पे आप सर्च करेंगे फॉन्ट ओसम, ठीक है, फॉन्ट ओसम 4.7.0.1, ये आपको सर्च करना है। आप चाहें तो आगे यहाँ पे CDN भी लिख सकते हैं, एंड अगेन आपको w3school.com वेबसाइट पे जाना है, जहाँ से आपको इसके CDN का लिंक मिल जाएगा। तो ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है, एंड इसको हम
हेड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ओके एंड नाउ यहां पे मुझे आइकॉन्स को यूज करना है। ओके तो यहां पे मैं आइकॉन्स यूज कर लेता हूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा, क्लास, और क्लास का मैंने नाम दे दिया एफ ए, एफ ए माइनस ट्विटर। ओके अब मैं इसको चेक करता हूँ एक बार। रिफ्रेश किया तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक आइकॉन आ गया, बट ये सही पोजीशन पे नहीं आ रहा। इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी काफ़ी कम आ रहा है। तो फॉन्ट वेट तो मैंने बोल्ड कर दिया है, फॉन्ट के साइज को ही मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया फॉन्ट साइज बोल्ड। ओके एंड यहाँ से मैं कुछ पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल का यूज़ कर लेता हूँ एंड मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग देता हूँ मैं लेफ्ट से। तो लेफ्ट से मैंने पैडिंग दे दिया 10%। ओके तो ये इस पोजीशन पे आ चुका है। एंड ऊपर से ही मुझे मार्जिन भी सेट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने मार्जिन सेट किया था 5, तो नीचे ही मैं मार्जिन दे देता हूँ 5। तो ये मैंने मार्जिन दे दिया टॉप से 5। रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पे आ गया, बट इसको सॉरी फॉन्ट साइज में मुझे बोल्ड नहीं लिखना, फॉन्ट साइज में तो मुझे न्यूमरिक फॉर्म में देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ओके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है। बट ये ऑनलाइन जॉब पोर्टल पोर्टल यहाँ पे ये ब्रेक नहीं आ रहा, तो मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे। मैंने BR टैग लगा दिया। वैसे तो मुझे एक ही लाइन में डिस्प्ले करना था, बट ये एक लाइन में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। पोर्टल सिस्टम, ठीक है मैं बाद में इसको और चेक करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इस तरीके से लिखा, मैं इसको चेंज करूँगा आगे। एंड ये हमने आइकॉन दिया इसी तरीके से, कुछ और भी आइकॉन्स दे देते हैं। तो ये हमने आइकॉन दे दिया ट्विटर का। एंड ट्विटर के बाद मैं आइकॉन दे देता हूँ फेसबुक का, लिंक्डइन का। एंड उसके बाद मैं इंस्टाग्राम का आइकॉन दे दूंगा। ओके तो ट्विटर, ट्विटर के बाद मैंने दे दिया लिंक्डइन। एंड देन आफ्टर मैंने लिखा इंस्टाग्राम। रिफ्रेश कर दिया तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके के आइकॉन्स आ गए। और भी आप आइकॉन्स दे सकते हैं, जैसे मैं टेलीग्राम का आइकॉन दे सकता हूँ, बट मुझे पता नहीं है उसके लिए क्लास का नाम क्या है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके तो ये टेलीग्राम का आइकॉन भी आ गया। ओके इनके बीच में भी अगर आपको कुछ स्पेस देना है तो वो भी आप पैडिंग दे सकते हैं इनके बीच में। ओके मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इनके बीच में कुछ पैडिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास यूज़ कर लूँ पैडिंग लेफ्ट से 5, पैडिंग लेफ्ट से मैंने 2 किया।
ओके, यहां भी मैंने पैडिंग लेफ्ट टू कर दिया। अब मैं चेक करता हूं। ओके, तो इस तरीके से ये स्पेस आ जाएगा। पैडिंग लेफ्ट टू की जगह हम वन भी कर सकते हैं। पैडिंग लेफ्ट वन, ओके, तो सभी के बीच में एक थोड़ा सा पैडिंग आ गया, स्पेस आ गया। ओके, यहाँ पे आप इसको लिंक भी दे सकते हैं एंकर टेग का यूज़ करके, बट अभी मैंने इस पे कोई लिंक्स नहीं दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एंकर टेग यूज़ करके उसमें आपका जो भी ट्विटर का अकाउंट है, लिंक्डइन का अकाउंट है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ऊपर का जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हुआ है ना। इसको मैं और करेक्ट करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।